हेलो एस्ट्रोम, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोम पार्टनर। मैं साहिल सर आज लेकर आया हूँ सोलूशन। इससे पिछले वीडियो में हम होमोजेनियस एंड हेटरोजेनियस की बात कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोलूशन की। सोलूशन क्या है, चलिए इसे आप हम अपने डे टू डे लाइफ से रूबरू करवाते हैं। आप अपने डेली लाइफ में शरबत तो ज़रूर ही बनाते होंगे। कोई गेस्ट आए तो शरबत, शरबत नहीं तो दुकान से मंगा लेते हैं कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कॉक्स एट्सेट्रा। तो ये सभी एग्जांपल है। कभी कभी बियर का भी पार्टी चल जाता जी हाँ, वाइन, कभी कभी वाइन भी आप लोग मंगा लेते हैं। तो ये सभी एग्जांपल है सॉल्यूशन के। तो सॉल्यूशन होता क्या चीज़ है, इससे पहले हम होमोजेनियस पढ़ा चुके हैं। अगर आपको होमोजेनियस नहीं पता है तो होमोजेनियस ज़रूर समझिए। तो सॉल्यूशन क्या होता, द सोल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सर विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर कॉम्पोनेंट्स। सोल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सर है। होमोजेनियस को समझिए, होमोजेनियस वो सोल्यूशन का पार्ट है जिसमें उसके पार्टिकल एक पार्टिकल जो है दूसरे में पूरी तरह से मिल जाता है। यानी अगर हम जब भी शरबत बनाते हैं तो कम से कम दो पार्टिकल का, दो कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है, जिसमें से एक आता है शुगर और दूसरा है वाटर। तो शुगर और वाटर ये दो सब्सटेंस को जब आपस में मिलाया जाता है तो ये शुगर के पार्टिकल वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। और ये कुछ इस तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं कि हर जगह इस सॉल्यूशन का टेस्ट इक्वल होता है। यानी अगर वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूट और हर जगह उसका टेस्ट इक्वल हो, यानी उस शरबत को अगर हम गेस्ट को दें तो वो जब पियेंगे तो हर जगह उसका टेस्ट इक्वल आएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर ज़्यादा मीठा रहेगा नीचे कम रहेगा, या नीचे ज़्यादा रहेगा ऊपर कम रहेगा, कहीं कहीं मीठा ही नहीं लगेगा, वैसा नहीं होगा। सॉल्यूशन होमोजेनियस का मतलब है कि उसका हर जगह इक्वल टेस्ट रहेगा, यानी कि ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सर विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, दो या अधिक कंपोनेंट से मिलकर बने होते। हम अपने डेली लाइफ में शरबत बनाते ही बनाते हैं, कभी कभी टैंग वगैरह भी ले आते हैं, रसना उससे भी बनाते हैं, तो उसका टेस्ट हर जगह इक्वल होता है। इसके पार्टिकल क्या होते हैं, सॉल्यूशन के पार्टिकल सॉल्यूट में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। ये ऐसे डिसॉल्व हो जाते हैं कि इनके पार्टिकल नज़र ही नहीं आते पूरी तरह से, है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें पार्टिकल डिसॉल्व है कि नहीं, जब तक कि आप उसका टेस्ट नहीं कीजिएगा। तो द सब्सटेंस मेकिंग अप द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। वो सब्सटेंस जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसे कंपोनेंट्स कहते हैं। तो किसी भी सॉल्यूशन को बनाने में जनरली टू कंपोनेंट्स लगते हैं। कितने, दो कंपोनेंट। तो ए सॉल्यूशन इज जनरली मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जब भी आप शरबत बनाते हैं तो चीनी और पानी, ये दो चीज़ का होना ज़रूरी है। ये दोनों बेसिक नेसेसरी चीज़ है, ये बेसिक चीज़ है, इसका होना ज़रूरी है। तो सॉल्यूट जो हुआ वो शुगर हो गया और सॉल्वेंट वाटर हो गया। इन दोनों को जो आपस में मिलाएंगे तो एक नया तरह का सब्सटेंस बनेगा जिसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। तो सॉल्यूट क्या होता है, तो द कंपोनेंट्स विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट आर नोन एज सॉल्यूट। यानी वो कंपोनेंट्स जो कम मात्रा में प्रेजेंस होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, लाइक शुगर, सॉल्ट, ये सब क्या सॉल्यूट है, कभी कभी नींबू, है ना, लेमन वगैरह, ये सब सॉल्यूट है। सॉल्यूट कम मात्रा में रहता है, वो दूसरे में घुल जाता है। सॉल्यूट क्या होता है, दूसरे में घुल जाता है। ए सॉल्यूट इज ए सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट इज ए सब्सटेंस इन विच डिसॉल्यूशन टेक प्लेस। यानी कि सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो सॉल्वेंट में घुल जाता है, यानी सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है जो सॉल्यूट को अपने अंदर घुला लेता है। तो सॉल्यूट वो सब्सटेंस है जो कम मात्रा में प्रेजेंस होता है, ये समझ में आ गया है आपको। और सॉल्वेंट को समझिए,
तो ए कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, यानी जो अधिक मात्रा में प्रेजेंस होता है, लार्जर अमाउंट में प्रेजेंस होता है, उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। एग्जांपल, शुगर प्लस वाटर में वाटर ज़्यादा मात्रा में है, शुगर कम मात्रा में, तो वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट का काम कर रहा है, यानी सॉल्वेंट कौन है? वाटर, ठीक है। तो यहाँ वाटर सॉल्वेंट। आप कभी बियर वगैरह पीते होंगे, तो बियर वगैरह जब पीते होंगे तो उसमें सोडा थोड़ा सा, हमको तो उतना आइडिया नहीं है, लेकिन सोडा बियर आप लोग लेते तो उसमें थोड़ा सा सोडा वाटर डालते हैं ताकि उसका हार्डनेस थोड़ा कम हो जाए। तो सोडा वाटर जो आप वहाँ पर डालें, वो सोडा वाटर आपका काम किया सोल्यूट का, और जो आपका बियर था वो एक सॉल्वेंट का काम किया। समझने के लिए बताएं, क्योंकि आप लोग उसे डेली लाइफ से ज़्यादा रूबरू होते हैं और ज़्यादा यूज करते होंगे, हमको जहाँ तक लगता है। नहीं यूज करते तो बहुत अच्छी बात है, आगे चल के यूज कर ही लीजिएगा। तो सॉल्वेंट क्या है? एक ऐसा कंपोनेंट जो अधिक मात्रा में प्रेजेंस होता है और सोल्यूट को अपने अंदर घुला लेता है, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। अब ये सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला दिए तो नया सब्सटेंस बना, जिसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। यानी द सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सर विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। यानी सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सर है जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बने होते। अब ये जो होमोजेनियस सॉल्यूशन है, इसी को कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। क्यों कहते हैं भाई ट्रू सॉल्यूशन, है ना? तो दिस सॉल्यूशन आर कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन बिकॉज द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन है वेरी स्मॉल साइज। क्योंकि ये जो सॉल्यूशन होते हैं, इसके पार्टिकल का जो साइज होता है काफ़ी छोटा होता है, इतने छोटे होते हैं कि उसे हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। जी हाँ, इतने छोटे होते हैं कि उसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, फिल्टर पेपर से भी उसे अलग नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसे अगर हम छोड़ दें तो इसके पार्टिकल सेटल डाउन होते ही नहीं, इतने छोटे इसके सॉल्यूट के पार्टिकल जो हैं वो सेटल डाउन होंगे ही नहीं, बल्कि वो सॉल्वेंट में पूरी तरह से मिक्सअप रहते। इसीलिए इसे हम एक ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। यानी द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए ट्रू सॉल्यूशन आर 10^-9 meters, यानी लेस देन 10^-9 meters, और वी कैन से दैट लेस देन 1 nanometer, और लेस देन 10^-7 centimeters। यानी इसके पार्टिकल का साइज काफ़ी छोटा होता है, इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, उसके लिए हैवी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। तो ये चीज़ हो गया ट्रू सॉल्यूशन। यानी द सॉल्यूशन आर कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, मीन्स लेस देन 1 nanometer। और ये जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, इनके पार्टिकल का साइज काफ़ी स्मॉल होने के साथ ही साथ उसका जो टेस्ट होता है, कंपोजिशन होता है, हर जगह इक्वल होता है। हर जगह क्या होता है? इक्वल होता है, तो ये ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन वी कम्स अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन आवर डेली लाइफ। हम अपने डेली लाइफ में बहुत तरह के सॉल्यूशन से रूबरू होते हैं। किस किस तरह के सॉल्यूशन? एक होता है कि सॉलिड को लिक्विड में मिलाते हैं, तो इसे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। एग्जाम्पल, शुगर को वाटर में डिजोल्व किए, तो इस तरह के सॉल्यूशन को सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। यानी ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर इज कॉल्ड सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। यानी एक पार्टिकल सॉलिड रहेगा, दूसरा लिक्विड रहेगा, तो उसे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। दूसरा होता है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन भी होता है। एग्जाम्पल के लिए, आप ले लिए हैं बियर वाइन वगैरह और आपको पीना है मज़े के साथ दोस्तों के साथ, दो चार दोस्त ज़्यादा है लेकिन वाइन बहुत ही छोटा सीसी है, तो वैसे स्थिति में हम लोग उसमें सोडा वाटर डाल दें। जब वाटर डालेंगे मेरा बियर में, तो बियर पहले से एक लिक्विड है और उसमें सोडा वाटर डाले वो भी लिक्विड है, तो जब लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे तो इसे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। यानी सॉल्यूट भी लिक्विड और सॉल्वेंट भी लिक्विड, तो इसे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूट। चलिए, ये तो है शराबी लोगों के लिए, जो लोग शराबी नहीं है उसके लिए क्या बताएं। तो नींबू पानी आप पीते होंगे, आप सॉल्यूशन बनाते हैं नींबू पानी का, तो आप एक गिलास पानी लेते हैं उसमें नींबू डालते हैं, तो नींबू लिक्विड है, नींबू का रस लिक्विड है, वो लिक्विड लिक्विड में जाएगा तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बनाएंगे। इसके बाद आता है गैस लिक्विड सॉल्यूशन।
गैस लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जैसे ही आप उसे खोलते हैं उससे एक बबल्स टाइप का आवाज़ आता है, मतलब बबल्स टाइप के उससे निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें गैस मिलाया गया, उस लिक्विड में ये जो कॉक है आप जो भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें गैस डाला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें गैस ज़बरदस्ती घुसा दिया जाता है प्रेशर डाल के, जिसके कारण जैसे ही हम उसे खोलते हैं उससे गैस निकलता है। यानी लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस मिलाया गया है, तो लिक्विड में गैस मिलाया जाना यानी गैस लिक्विड सॉल्यूशन कहलाता है ना। तो एरेटेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर, कोक एट्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्यों भाई? दिस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड है ना, एंड सॉल्यूट डिजॉल्व इन वाटर। तो ये तो हो गया गैस लिक्विड सॉल्यूशन। आगे आता है गैस गैस सॉल्यूशन। एग्जांपल हमारा एयर का ले लेते हैं। एयर में क्या है, बहुत सारे पार्टिकल मिक्स हैं एयर में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं, ऑक्सीजन के हैं, नाइट्रोजन के हैं, ये सारे आपस में मिले हैं और ये एक अच्छा सा होमोजेनियस मिक्सर है, इसलिए एयर को हम गैस गैस सॉल्यूशन कहेंगे, गैस इन गैस सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें 20% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है और अदर गैस भी है, तो ये एक तरह का मिक्सर बनाता है, मतलब सॉल्यूशन बना लेता है, जिसे गैस गैस सॉल्यूशन कहते हैं। अब है एक लास्ट सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, यानी सॉलिड में सॉलिड मिला देंगे। अरे भाई सॉलिड में सॉलिड कैसे मिलेगा सर, वो तो मिक्सर हो जाए। सही बात है, मिक्सर हो जाएगा, लेकिन आप जो गोल्ड लेते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इसमें क्या है, इसमें सॉलिड में सॉलिड मिक्सिंग है। एग्जांपल के लिए आप गोल्ड लिए 18 कैरेट का, तो 18 कैरेट का जब आप गोल्ड लेते हैं तो उसमें कॉपर मिक्सिंग होता है, ठीक है ना, तो कॉपर को गोल्ड में मिक्सिंग करें, गोल्ड भी सॉलिड कॉपर भी सॉलिड, उन दोनों को मिक्स करके बना दिया गया एलॉयज ऑफ गोल्ड है ना। तो एलॉयज ब्रास का बात करें तो ब्रास में भी 70% कॉपर होता है अप्रोक्सीमेट एंड 30% जिंक होता है। तो इस तरह से ये जो बना ब्रास, ये भी एक सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल है। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कितने टाइप्स के सॉल्यूशन बताएं, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, गैस लिक्विड, गैस गैस, ये टाइप्स हम बताएं। आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है सॉल्यूशंस के। एक जो सॉल्यूशन होता है ट्रू सॉल्यूशन, वो एक होमोजेनियस होता है। तो आइए जानते हैं इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या। सबसे पहला प्रॉपर्टीज देखते हैं कि द सॉल्यूशन इज होमोजेनियस इन नेचर। सॉल्यूशन जो होते हैं नेचर में होमोजेनियस होते हैं, दे आर होमोजेनियटली एट माइक्रो लेवल, यानी ये एकदम होमोजेनियटली होते हैं, यानी कि इसके हर जगह का लेवल इक्वल होता है। ये जो सॉल्यूशन बना हर जगह उसका टेस्टेड का बात करेंगे, उसके पार्टिकल प्रेजेंस का बात करेंगे, हर जगह इक्वल अमाउंट में रहे, ये सेटल डाउन भी नहीं होते। दूसरा है कि द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन इज लेस देन 10^-9 मीटर, मीन्स 1 नैनोमीटर, यानी इसके जो पार्टिकल के साइज होंगे, सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज काफ़ी छोटे होंगे, यानी 1 नैनोमीटर से भी छोटे होंगे, और इतने छोटे होंगे कि दे कांट बी सीन इन नेकेड आई। नेकेड आई क्या, माइक्रोस्कोप से भी हम नहीं देख सकते, इतने छोटे होते। दूसरी बात है, इसी के कारण ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज दे कांट स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट इस तरह के सॉल्यूशन पर जब हम टॉर्च मारेंगे तो लाइट को वो एक्सपेंड नहीं करेगा, फैलाएगा नहीं, लेकिन आप दूध वगैरह में मारिए, ऑयल में मारिए, वो लाइट को फैला देगा बीम ऑफ लाइट, लेकिन यह ट्रू सॉल्यूशन नहीं करेगा। थर्ड पॉइंट है कि द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कांट बी सीन इवर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप से भी इसके पार्टिकल को हम नहीं देख सकते क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल होते हैं, यानी 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। आगे है द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन इजिली पास थ्रू द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से हम चाहेंगे कि सॉल्यूशन के पार्टिकल को फिल्टर करके अलग कर ले, तो वो हम नहीं कर सकते क्योंकि इसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि उससे वो पार कर जाते, वो पार कर जाएंगे उससे आसानी से, है ना,
दे कांट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हम उसे अलग नहीं कर सकते। पांचवा पॉइंट है, द सोल्यूट पार्टिकल इन सोल्यूशन कांट सेटल डाउन ऑन केपिंग। कहा जा रहा है कि अगर इस तरह का एक होमोजेनियस ट्रू सोल्यूशन बना लिए आप, नमक पानी का, चीनी पानी का और भी कोई चीज़ का, तो वो सेटल डाउन नहीं होंगे। आप सोचिएगा कि इसको एक दिन छोड़ दिए और एक दिन बाद उसको टेस्ट लेंगे तो उसको मिलाना पड़ेगा, तो वैसा नहीं होगा। इसके पार्टिकल का टेस्ट इक्वल होगा। जैसे कि आप पेप्सी वगैरह, कोका वगैरह, कोला वगैरह निकालते हैं तो उसको जो है हिलाया के नहीं हम लोग पीते, उसको घोल के नहीं पीते, बस ढक्कन खोले और पी लिए, टेस्ट पता नहीं कब का पैक किया हुआ है ना, लेकिन उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं हुए, वो एक होमोजेनियस का एग्जांपल है। अगर आप हिला के पीना चाहेंगे तो वैसा कोशिश भी नहीं की जाएगा, क्योंकि कभी कभी वो शीशी टूट भी जाता है क्योंकि उसमें गैस डाला जाता है। तो ये इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते। छठा पॉइंट का बात करें, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्केटर ए बीम ऑफ लाइट। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि इसके पार्टिकल का साइज जो है काफ़ी छोटा होने के कारण, काफ़ी छोटा है, इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, तो अब ये बीम ऑफ लाइट को क्या स्केटर करेगा, करेगा नहीं कर पाएगा है ना। ये बीम ऑफ लाइट को ये स्केटर नहीं कर पाता है, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन ए सोल्यूशन। इसीलिए पाथ ऑफ लाइट इसमें विजिबल नहीं होता, इसमें ट्रू सॉल्यूशन में यह विजिबल नहीं होता। तो आज के लिए बस करते हैं इतना ही। अगली वीडियो जब लाएंगे तो वहाँ हम चर्चा करेंगे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड की। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का दौर आ रहा है और स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही क्योंकि दौर चल रहा है लॉकडाउन का। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।